नमस्कार, हाजिर हैं सीधी बात के कार्यक्रम में। मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स होगा और इस शख्स की कहानी जानकर एक बात तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि नगर सेवक यदि प्रामाणिकता के साथ काम करना शुरू करें तो उसकी यात्रा इस प्रकार से होती है। एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, इस पूरी क्लिप में इनकी राजनीतिक यात्रा, अर्पण, समर्पण, अब तक का सफर है। लेकिन इस बीच ये बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर एनसीपी और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों, और आखिर जब वाटर सप्लाई के सबसे पहले चेयरमैन बने और सबसे कम उम्र के जब ये नगर सेवक बने तब के काम काज और अब तक का सफर हम आपको सब कुछ बताएंगे इस सीधी बात के कार्यक्रम में। एक सच के साथ और एक सवाल जो जनता भी जानना चाहती है और पत्रकारिता की हैसियत से मैं भी जानना चाहता हूं, वो सवाल इस इंटरव्यू में होगा। पूरा देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस सवाल का उत्तर क्या है, बस थोड़ी देर। 1992-94 के आसपास जितने राजनीति में कदम रखा था और जिसने अपनी कम उम्र में नगर सेवक का पद ग्रहण कर लिया था वो है राजू जिज्ञासी। राजू जिज्ञासी के राजनीतिक इतिहास से लेकर राजनीतिक उनका अस्तित्व देख लीजिए तो आपको एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी, काम करने वाला व्यक्ति अगर चेष्टा के साथ और मन लगाकर काम करे तो वो प्रामाणिक समाजसेवी और प्रामाणिक नगर सेवक बन सकता है। राजू जिज्ञासी ने कभी अपने आप को जनता के बीच से दूर नहीं किया, लगातार जनता के बीच जमे रहे, लगातार जनता के बीच काम करते रहे, लगातार जनता के सुख और दुख के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। तभी राजू जिज्ञासी ने दल से बढ़कर जनता को समझा और जनता के साथ अपने आप को बिठाते बिठाते यहाँ तक का सफर तय कर लिया। पप्पू कलानी के पक्षचिन्हों का अवलोकन किया, कहीं न कहीं पप्पू कलानी को अपना नेता मानकर उनके साथ साथ चले और उनके हाथ और छत्र छाया के नीचे इन्होंने इस राजनीति की विरासत को, सियासत को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक का सफर तय कर लिया। पहली बार में चेयरमैन बनना हो जल विभाग का और चाहे पहली बार में नगर सेवक बनना हो, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर स्वर्णिम और इतना प्रशंसनीय रहा जिसकी वजह से लगातार 4 बार नगर सेवक और पारिवारिक दृष्टिकोण से घर पर भी नगर सेवक कोई न कोई रहता रहा है। एक छवि, एक काम, एक काज। आइए आज मिलते हैं सीधी बात के कार्यक्रम में, इस पूरी राजनीतिक यात्रा में पता करते हैं कि आखिर क्या है और भी विस्तार से क्या है सच। बस सीधी बात के कार्यक्रम। नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हमारे साथ उपस्थित है राजू जिज्ञासी, उनकी राजनीतिक यात्रा और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक छोटी सी क्लिप देखी, उस क्लिप में लगभग सब कुछ स्पष्ट हो चुका होगा। लेकिन अब उनसे बात करके, वो जो मैंने सवाल कहा था थोड़ी देर पहले वो याद है ना आपको, इस पूरा इंटरव्यू देखिए और देखिए उस सवाल का उत्तर क्या है, वो सवाल कौन सा है। बस आइए हम मुलाकात करते हैं राजू जिज्ञासी से। जी नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, राजनीति में अक्सर उतरने वाले लोगों का उनका बहुत मन होता है कि वो राजनीति में उतर कर पद प्रतिष्ठा लोभ लालच, ये मेरा पहला सवाल अक्सर रहता है, राजनीति में उतरने के पीछे का आपका कारण क्या था कि यही पद प्रतिष्ठा लोभ लालच मंच माला तालियां मिल जाएं और हम राजनीति में उतरे, नगर सेवक बन जाएं और फिर आगे चलकर राजनीतिक यात्रा और लंबी हो, बस इसीलिए। देखिए सचिन जी, शुरुआती दौर में तो जैसे मैं कॉलेज के दौर से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद नगर सेवक का जैसे मुझे एक ऑफर दिया गया तो उस समय तो केवल मन में एक शौक था कि कैसे नगर सेवक बना जाता है, नगर सेवक बन के क्या होता है। उस समय जो आपने बातें कही कि लालच लोभ, उस चीज़ को तो हमें जानकारी तक नहीं थी। लेकिन सही मायने में बोले कि नगर सेवक बनने के बाद में किस प्रकार से लोगों से संपर्क में आना, लोगों को कार्य करना और जो मन को सुकून मिला है वही चीज मुझे आज तक खींचती आई कि मेरा परिवार अब तक लोगों की सेवा में महानगर पालिका में मौजूद है। एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, आपने कहा कि अभी उस दौरान आपको ये ज्ञान नहीं था कि नगर सेवक बनने के बाद में क्या मिलता है, क्या दिया जाता है। बिना जानकारी के किसी पद के लिए जनप्रतिनिधि बन रहे थे आप, वो बिल्कुल बड़ा जिम्मेदारी भरा पद था, बिना जानकारी के आगे बढ़ गए। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा कि उस समय मेरी उम्र करीब 22 साल थी और कभी मैंने राजनीति में जाने के लिए सोचा तक न था। ये स्टेट बताइए, किसने ले आया, कौन ले आया आपको राजनीति? हाँ, अचानक उसमें मैंने आपको बताया मैं कॉलेज के दौर में CRUR की इलेक्शन लड़ा था, हमारा ग्रुप था वहाँ पे। कॉलेज पूरा होने के बाद में जैसे ही मैं अपने काम काज में व्यस्त हो गया, उसके बाद में जब 97 में उल्लासनगर नगर पालिका को बर्खास्त करके महानगर पालिका बनाया गया,
उस समय जैसे ही चुनाव लगे तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा परिवार पहले से जुड़ा था, और यूं कहें हम आरएसएस से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी मुख्य शिक्षक रहा करते थे, तो उस समय के जो हमारे सीनियर लोग थे बीजेपी वाले, उसमें आदरणीय माजी आमदार दादा सीतालाल हरचनानी कहें, प्रेम तोलानी जी कहें, जो भी सीनियर लोग थे वो सब हमारे पास आए। मेरे पिताजी को उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि 3 नंबर के क्षेत्र में कोई ओबीसी वार्ड हुआ है। सच्चाई यह थी कि उस समय उन्हें कोई उम्मीदवार कैंडिडेट ओबीसी का नहीं मिल पा रहा था, कि हमें एक फेस सेविंग के लिए, उस समय के मैं आपको बता रहा हूं भाजपा की माली हालत थी उस समय, यस, तो उस समय उन्होंने कहा कि फेस सेविंग के लिए आपका लड़का एक्टिव है और आप जग्यासी फैमिली ओबीसी में आते हैं, आप हमें इनका नाम दीजिए, हम वहां पे फॉर्म भरवाएंगे, कम से कम हम यह कह पाए कि हमने कोई ना कोई अपना कैंडिडेट खड़ा किया। तो बहुत ही सोच विचार के बाद, आफ्टर ऑल हम बीजेपी परिवार से जुड़े हुए थे और इतने सीनियर लोग हमारे पास आए, तो पिताजी ने मुझे आज्ञा दी कि वहां पे आप फॉर्म भर लो। ये छोटी सी कहानी, लेकिन एक सवाल यहां पर ही बनता है, भारतीय जनता पार्टी जब हम कोई दल पकड़ते हैं तो अक्सर होता क्या है कि दल की विचारधारा, उसकी मानवीय विचारधारा और उसका सामाजिक समर्पण, ये सब हम लोग देखते हैं तब हम किसी दल में शामिल होते हैं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी से आपका परिवार पुराने समय जुड़ा हुआ था, क्या आपने उस दौरान सिर्फ ऑफर को देखकर भाजपा में की टिकट ले ली थी या किसी विचारधारा से भी जुड़े हुए थे? नहीं, मैंने आपको बताया कि हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़ा हुआ था। मुझे याद है बचपन में, तो आपने ना, बिल्कुल नहीं, जब भी बचपन में दादा शीतल दास जी चुनाव में खड़े रहते थे, दादा शीतल हरचना जी 3 बार शहर के आमदार रह चुके हैं, तब मुझे याद है तभी हम बचपन में दीवालों पर पेंट करके भारतीय जनता पार्टी का एक सिंबल वहां पे छापते थे और कार्य करते थे और साइकिलों पे घूमते थे, तभी से हम कार्य करते थे। तभी उस समय ऐसे कोई भी मन में बात नहीं थी और शुरू से जुड़े भाजपा थे और पक्ष के लिए तो सोचना ही नहीं था कोई मन में। यहां पर उम्र आपकी 21-22 साल थी, सबसे कम उम्र का एक नगर सेवक जब हाउस में पहुंचता था या होता पहुंचा था तो पहली बार सब कुछ देखकर एक अचंभित, और आपको, मुझे जितनी जानकारी है, वाटर सप्लाई का चेयरमैन भी बना दिया गया था 1-2 सालों बाद। तो ये सब यात्रा उस दौरान कठिन नहीं लगी आपको? आपको लगा नहीं कि कैसे एक सब हैंडल करेंगे आप? देखिए पहले साल में जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, समझने में कुछ समय लगा कि अभी हमें महानगर पालिका में चुन के आए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, और जो स्वाभाविक बात है जो वहाँ के अधिकारी गण होते हैं वह जनप्रतिनिधियों को इतना तुरंत अपने ऊपर हाथ रखने नहीं देते हैं, मतलब जो नए चुन के आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो एक पहले साल तक मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अगले दूसरे साल से मुझे वहाँ पे पानी परोठा का सभापति बनाया गया, और जैसे पानी मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, और उस चेयरमैन पीरियड में जो मैंने कार्य किया वहाँ से मेरी राजनीति ऊपर उठना चालू हुई, लोगों से जुड़ना, पानी के बारे में पूरे शहर में घूमना, जहाँ जहाँ वाटर सप्लाई के ऑफिस हैं वहाँ पे जाना, तो राजू जग्यासी एक वाटर सप्लाई चेयरमैन करके ही नाम जाना गया, तो वहाँ से मेरी राजनीति का अवसर हुआ और मैं आगे बढ़ता गया। डर भय और कैसे काम करूंगा, असमंजस ये सब कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसे कोई मन में कोई बात नहीं। अच्छा, इस बीच पे चलो भाजपा काम किया, ठीक है, अगली बार आप एनसीपी आ गए, भाजपा को छोड़ दिया, जिसकी विचारधारा जुड़े हुए थे, जिसको आप मानते थे, ऐसे कैसे ये राजनीति ऐसे ही चलती है क्या? पद के लिए आपने दल छोड़ दिया? बिल्कुल, आपकी बात जो पूछते हैं बिल्कुल कोई भी उसमें शक नहीं है, आपका सवाल बहुत ही सही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय में जब मेरा सेकंड टर्म आया, हमारे आदरणीय नेता श्री पप्पू कालानी जी इस शहर के लाडले नेता हैं, आज भी शहर के लाडले नेता हम उन्हें मानते हैं, वह जब भी जेल से छूट के बाहर आए तभी उन्होंने उनकी एक स्टडी रहती है कि किस नगर से में कार्य करने की क्षमता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। उस समय पप्पू कालानी ऐसे था कि उल्लासनगर में जो पप्पू कालानी चाहे वही होता था, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही वह जेल से छूट के आए उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बिल्कुल एक बड़े हक और अधिकार से कहा कि राजू अभी तुमको मेरे साथ में आके काम करना है। और मैं खुले तौर से आपको बोलना चाहूंगा कि पप्पू कालानी जैसा आदमी अगर किसी को कहे कि तुझे मुझे साथ काम करना है तो उसको मैं ना नहीं कर पाया। कारण यही था कि उसके बाद में बिल्कुल पप्पू कालानी से मैं जुड़ गया। यहाँ एनसीपी की विचारधारा नहीं, शरद पवार नहीं, पप्पू कालानी थी। बिल्कुल सही है।
क्या आपको लगता नहीं है ये एक व्यक्तिगत दल बदलना हुआ? कल अगर, चूंकि आज वो पप्पू कालानी जी का पूरा परिवार आज आ चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, फिर से आप पुराने घर लौट आए, कल को वो चले जाएंगे कांग्रेस में, आप पूरा परिवार सहित फिर चले जाएंगे कांग्रेस में, यहाँ जनता कहाँ रही? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, जो नगर सेवक का जो चुनाव रहता है, नगर सेवक का चुनाव व्यक्ति विशेष को देख के होता है। जो लोग होते हैं नगर सेवक के चुनाव में व्यक्ति को देखते हैं, राधर देन दल नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है लोगों के काम करना, लोगों से संपर्क में रहना, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे राष्ट्रवादी में हो, चाहे कांग्रेस में हो। जो व्यक्ति लोगों से संपर्क में है उसे लोगों का प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। आप ये बताना चाहते हैं कि सचिन जी दल पर आप ज्यादा ना जाएं, आप व्यक्ति पर जाएं, नगर सेवक पद के लिए। अच्छा अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे, आपने अब जब, चूंकि चार बार आपका आपका लगातार एक एक्सपीरियंस रहा, आज भी परिवार आपका नगर सेवक के पद पर आश्रित है, सवाल यहाँ ये बनता है कि इतने बार लगातार में देखा जाए 25वां वर्ष है आपका ये लगभग जी। इस 20-25 साल की सत्ता प्राप्ति की यात्रा में कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक काम किए, जरा जल्दी जल्दी फटाफट 10-12 काम ऐसे गिना दीजिएगा जो पॉइंटेड है और आपको आज भी सुकून मिलता है कि हाँ उन कार्यों से आत्मसंतुष्टि मिलती है आपको। पानी का सभापति होने के समय पे 21 करोड़ का महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का एक बहुत ही बड़ा कार्य था जो बहुत सालों से रुका हुआ था। वो समय के आमदार पप्पू कालानी के माध्यम से मंत्रालय में मीटिंग लेके उस रुके हुए कार्य को पूरा करवाया, जिसे आज भी हम पाले की लाइन कहते हैं, पूरे 4 और 5 नंबर क्षेत्रों को पानी वहां से मिलता है। उसके बाद में सीमेंट रोड, मेरे इस प्रभाग में कम से कम 8 से 10 ऐसे रोड हैं, स्टेशन रोड कहें, यह रोड कहें, 20 सेक्शन का रोड कहें, उस रोडों को इमीडिएटली सीमेंट रोड बनाना। और उसके साथ साथ में सामाजिक कार्य, मतलब मैंने आपको बताया कि नगर सेवक होना केवल अपने आप को हम सीमित नहीं रखते हैं कि केवल रोडों की साफ सफाई करें, लाइट करें या गटर सफा करें। नगर सेवक होने के बाद लोगों को हम क्या क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, उसमें ने एक सीनियर सिटीजन कैंप का ऑर्गेनाइज किया जिसमें 5000 सीनियर सिटीजन को निःशुल्क एक ही स्टेज पर हमने कार्ड दिया, जो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा कार्य मेरे हाथ से भगवान ने करवाया है। उसके बाद में टू नो योर उल्लासनगर एक क्विज कॉम्पिटिशन हमने रखा हुआ था जिसमें 20,000 बच्चों ने उस क्विज में 20,000 बच्चों ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया, और तो बहुत ही बड़े शान से उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने इंटरेस्ट लेके उस कार्य को आगे बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे एमएमआरडी का जब मैं सदस्य था तो आप उल्लास स्टेशन पे तो स्काई वॉक देख रहे हैं, वह देन एमएमआरडी की है, बहुत बड़ी चीज शहर की है, बहुत बड़ी चीज है। और अपोजिशन लीडर होने के नाते मैं 3 साल महानगर पालिका में अपोजिशन लीडर रहा, वहां पे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप अगर मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी चले जाएंगे तो किस प्रकार से मुद्दों को उठाना और बात करना, ये अपने मुंह से मैं बोलूं मुझे ठीक नहीं लगता। नहीं, आपके मुद्दे तो उठाता, मुझे एक एक प्रकरण याद भी आ गया, उस दौरान जब जो पुराने एमएलए थे उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कहा सड़कों के लिए, गड्ढों के लिए वो आंदोलन भी करते हैं, धरना भी करेंगे अगर नहीं बनेंगे, और उस पर जिस तरह से आपने कटाक्ष किया था, जरा वो कहानी थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में बता दीजिए। विपक्ष की भूमिका ही बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें कैसे, क्यों आखिर, वो तो कह रहे थे कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, सड़कें नहीं बनेंगी, तो फिर भी आप उस पर बार बार लगातार कटाक्ष कर रहे थे, क्यों? बहुत बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। देखिए ऐसा है, उस समय के तत्कालीन जो आमदार थे वह कह रहे थे कि आप शहर के रोड बनाओ नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। तभी मुझे सच में अचरज हुआ था, तभी मैंने उनको कटाक्ष किया था, लाइव मीटिंग चालू थी, मैंने कहा कि भाई आप शहर के राजा हो, अगर शहर का राजा बोलेगा मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा तो शहर की प्रजा का हाल क्या होगा? आप शहर के राजा हैं और आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपके आवाज में एक वजन होनी चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है कि आप अगर आपकी बात नहीं मानते, लोग संसद में बैठ जाते हैं, वो तो विधानसभा थे, विधानसभा के एक विधायक थे तो बैठ सकते थे उसमें। आप देखिए मैंने कहा का कि वो अधिकारी के ऊपर उनका प्रभाव ही नहीं था। अच्छा, अधिकारी के ऊपर बोल के वो काम करा सके, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन जो उनकी वर्किंग थी वो लोगों से काम लेने में सक्षम जितने होने चाहिए उतने नहीं थे, तो लोग सब जानते थे, तभी हमने उनसे रिस्पेक्ट से कहा कि आप अपने आवाज में वजन रखिए और लोगों से, अधिकारियों से काम लीजिए। ये तो विपक्ष की भूमिका। एक बात में आप सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, वाटर सप्लाई का जब चेयरमैन में बना था, जब एमआईडीसी जो हमको बिलिंग करती थी महानगर पालिका को, उस समय पहला जो मैंने कार्य किया था, मैंने उनकी बिलिंग जो चेक की थी, 14 करोड़ का मैंने एक डिफरेंस निकाला था जो नेशनल न्यूज बना था,
और वह 14 करोड़ MIDC ने महानगर पालिका को वापस पे किया था। बहुत बड़ी बात थी, अपने आप गफला हुआ उसको वापस लाया, गफला न भी माना जाए उसको, MIDC ने हमको एक्स्ट्रा बिलिंग कर दी थी। अच्छा, एक्स्ट्रा बिलिंग। तो वो फिर हमारे जो कमिंग बिल थे उसमें एडजस्ट किया गया और वो 14 करोड़ का महानगर पालिका को फायदा दिलाया। एक्स्ट्रा बिलिंग बहुत होती है, बहुत होती है, घोटाला ही कहें, घोटाला नहीं, MIDC और महानगर पालिका के बीच में घोटाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों कॉर्पोरेट, दोनों गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। मतलब देखिए, हमको अगर 110 MLD पानी मिलता है तो वो बिलिंग करते थे 130 MLD, 140 MLD। आप जरा सोच लीजिए, किसी आम आदमी का घर है, उसकी बिजली बिल आता है 100 रुपए, अगर वो 500 रुपए देती है, exactly. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घोटाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आम आदमी को परेशानी, आपको भी परेशानी, और कहीं ना कहीं ये जो 14 करोड़ जा रहा था हमारे शहर के लोगों की टैक्स थी जी, उसको अगर हमने बचाया हमारे महानगर पालिका को, वाह, यस बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल, जिसमें आपने तत्कालीन MLA का विरोध करना शुरू किया था जी, बड़ी चर्चा एक बात की थी कि आप चाहते हैं कि ये MLA जाए और दूसरा अपना आए, इस वजह से ये सब कुछ था एक षड्यंत्र के रूप में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सवाल ये बनता है, इसलिए पूछा। बिल्कुल नहीं, देखिए हमारा काम होता है कि जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है वह काम करे, जिम्मेदारी समझ के और काम करे, उसके पीछे हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि हम इसका विरोध करें उसको कुर्सी से उतारे, हमारा केवल मकसद होता है कि हम उस कुर्सी से उसका काम ले। आप क्या सोचा है आपने, लगातार 20-25 साल की यात्रा में बहुत सारा अनुभव मिल गया होगा, बहुत सारी तालियां, बहुत सारा प्रशंसा, एक मन में होगा ना कि आई हैव टू डू दिस फॉर सोशल, एना जो भी है आपके दिमाग में एक होगा ना कि अब मुझे ये करना है, वो क्या? देखिए, पूरा अब तक का जो मेरा जीवन का सफर रहा है लोगों के प्रति समर्पित रहा है और आगे भी इसी प्रकार से, और मैं तो चाहूंगा और भी गति तेज होगी मेरी, क्योंकि बहुत ही अनुभव हम इस राजनीतिक क्षेत्र में पा चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे अनुभव का फायदा मेरी शहर की मैं जनता को दूं। और जरूरी नहीं है कि अगर हमें पद है तो हम काम करते हैं, पद के बगैर भी हमने अनुभव पाया हुआ है, हम काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा। एक अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में कहा था कि एक सवाल जिसका उत्तर लोग देखना और सुनना भी चाहेंगे, और ये सवाल भी साहसिक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे क्षेत्र के लाडले नेता जी, ऐसे लाडले नेता का कौन सा ऐसा काम था जिसके वजह से उल्लासनगर की जनता, हालांकि मानती है उसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बार जब वो जेल से पैरोल में छूट गया है, जिस प्रकार का जन सैलाब था वो देखकर ही लगता है कि लोकप्रिय हैं, लेकिन जरा आप इसको विस्तार से बता दीजिए कि आखिर जेल से बाहर होने वाला नेता वो लोकप्रिय कैसा हुआ, लाडला कैसे हुआ, क्या काम थे जिसकी वजह जनता के बीच में इतने लोकप्रिय हुए वो? देखिए, पप्पू कालानी जो सबसे पहले शहर में जाना जाता था, उनका बहुत सारे कारणों में से एक प्रमुख कारण था सीमेंट रोड। पूरे महाराष्ट्र में एकमय उल्लासनगर ऐसे था जहां पे सीमेंट के रोड बने, और थाना से मुंबई से यहाँ पे वहाँ के अधिकारी देखने आया करते थे कि उल्लासनगर से किस प्रकार से सीमेंट के रोड बनते हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है, बहुत बड़ी बात है कि सीमेंट रोड को इस शहर में, पप्पू कालानी ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शहर को सीमेंट रोड दिए। आज भी अगर लोग याद करते हैं तो पहले जिक्र पप्पू कालानी का सीमेंट रोड के बारे में आता है। उसके बाद में काफ़ी सारे मुद्दे थे, हाल ही में एक DP प्लान का मुद्दा था जिसमें पप्पू कालानी साहब ने बहुत जोर से विरोध किया, जिसमें कई घर, कई झोपड़पट्टियां, कई प्लाट हमारे जाने वाले थे, उसका विरोध बहुत शहर लेवल पे विरोध किया। मतलब जहां जहां लोगों से अन्याय होता था वो बहुत ही मजबूत के साथ लोगों के साथ खड़े होते थे, और विशेष बात यह थी कि पप्पू कालानी को हर समुदाय के लोग प्रेम करते हैं, उसमें चाहे सिंधी हो, महाराष्ट्रन हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, जो भी लोग हैं वो उनसे प्रेम करते हैं, और सच में वो प्रेम के लायक भी है। भारतीय राजनीति में और भारतीय संविधान में उनको लड़ने का अधिकार है जो जिनके ऊपर केस चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि भारतीय राजनीति का इतिहास हमेशा उस नेता को नेता मानता है जो आंदोलनकारी हो, जनता के बीच लोकप्रिय हो, जनता के मुद्दों को उठाता रहा हो पार्लियामेंट में या विधानसभा में या अपने अपने माध्यम से जो संविधान में नियम है। क्या आपको लगता है पप्पू कालानी जी उस पूरे नियम पर प्रतिबद्ध और सटीक बैठे हैं? जी, पप्पू कालानी जी ने उल्लासनगर के लिए बहुत ही कुछ किया है, और मैं जो अभी समझता हूँ, अभी उनका सुपुत्र ओमी कालानी जी, जिनकी मिसेस अब महापौर हैं,
उसी लाइन पे उसी प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो कार्य पप्पू कालानी जी से छूट गए थे ओमी कालानी जी बखूबी उन कार्यों को पूरा करेंगे और इसी प्रकार से वो आगे बढ़ भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप आ चुके हैं पूरी तरह जी, जग जाहिर है। सवाल ये है कि क्या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वर्तमान स्थानीय विधायिका जी ने उस प्रकार से काम किया जो धरातल पे आना चाहिए था, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। मैं आपके ऑफिस के ठीक सामने देख लूं तो वहां स्वच्छ भारत अभियान कम नजर आ रहा है। मैं सड़कों पे जाता हूं तो वहां स्वच्छ भारत अभियान धरातल पे नजर कम आ रहा है, लेकिन उसके लिए पूरे भारत में जिस प्रकार का प्रचार प्रसार है बहुत तेज है। सवाल मेरा ये है कि क्या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र, प्रदेश और वर्तमान विधायिका ने ठीक ढंग से काम किया, और किया तो धरातल पर कहां पर? देखिए, अभी यहाँ की जो हमारी विधायक है वो भाभी ज्योति कालानी जी, वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से है। हाँ। और यह मैं बता रहा हूँ, वो उनसे है और उनकी जो बहू है वह भाजपा की महापौर है। बात आप समझा रहे हैं या सिर्फ मैं आपको जानकारी दे जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये बात समझने वाली थोड़ा सा। जी बिल्कुल, हकीकत है, जो सच्चाई हकीकत तो है, ये लिखित रूप में है। हाँ, ये हाँ, हम सब जानते हैं बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जो वो कहते हैं ना कि मनवंते चितवंते, तो यहाँ पर तो कुछ और ही है। मतलब यहाँ एनसीपी है, ये लिखित रूप में है, लेकिन बेटा भाजपा में, आप भाजपा में पूरा और लगभग भाजपा, कुछ और आंसर ठीक ठीक दीजिए ना। देखिए देखिए, मैं ये जो आपके जो आप बड़ी 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 बंद जुबान में आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब आने वाला समय ही आपको दे पाएगा। नहीं, वो तो के नहीं, आने वाला समय आपको दे पाएगा। हाँ, काम किसके काम आप सुनना? मैं प्रदेश, देश का चुनाव आने वाला है, लोकसभा, इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्या ठीक ढंग से मुद्दों पर काम किया जिस प्रकार से होना चाहिए? तक किया है तो जरा बता दीजिएगा। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उल्लासनगर में अभी एक केवल 1.5 साल ही हुआ है कि हम सत्ता में बैठे हैं जी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सत्ता लोकल लेवल पे हो वही सत्ता महाराष्ट्र लेवल पे है, वही सत्ता दिल्ली में भी है। ये इतिहास है उल्लासनगर का। और 1.5 साल के अंदर करीब मैं समझता हूँ 250 से 300 करोड़ रुपए सीएम साहब ने हमको अलॉट किए हैं, जिनका कार्य धीरे 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 गति पकड़ रहा है। हाल ही में सीएम साहब ने माननीय हमारे रविंद्र चौहान मंत्री साहब की मीटिंग, कलेक्टर से मीटिंग लेके, जो सालों से रुके हुए कार्य थे, जो प्लाट हमको अलॉट नहीं किए गए थे, उसमें 4 प्लाट तो मैं समझता हूँ हाल ही में उन्होंने महानगर पालिका को दिए हुए हैं, और आने वाले समय में 268 ऐसी और प्रॉपर्टियां हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अब है, लेकिन कब्जा यूएमसी का है। लेकिन क्योंकि हमारे नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं थी, हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उनमें से 4 प्रॉपर्टियां तो उन्होंने हमको दे दी है, जिसमें प्रमुख तौर पर बोट क्लब, जिसमें बढ़िया सा गार्डन हम बना सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए उनके शमशान भूमि के लिए जगह दी गई, VTC ग्राउंड की जगह दी गई, ऐसे इंदिरा गांधी मार्केट जो है वो हमें हैंडओवर किया गया, KB रोड के जो दुकानदार टूटे हुए, जो बेघर हुए हैं, जिनके दुकान पूरे चले गए हैं, वहां पे हम कंस्ट्रक्शन करके उनको हम जगह देंगे। तो इस प्रकार से जो जो उनकी कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट पूरी करते आ रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ 268 और प्रॉपर्टीज है जो उल्लासनगर को हैंडओवर करेंगे और गति पे हम आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में लोकसभा में BJP फिर से जीतेगी, विधानसभा में फिर से जीतेगी, और यहां से नगर सेवक भी फिर से। जी बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी। नरम और गर्म पर आप कह रहे थे कि जो MLA होता है खास आमदर, उसको थोड़ा कड़क रहना चाहिए प्रशासन के प्रति, आपका रुख कैसा रहा, नरम या गर्म? 100% गर्म, अगर काम नहीं किया तो। मतलब काम ना हुआ तो सीधा सीधा क्या? बिल्कुल, और मैं तो बताना चाहूंगा कि कहां ऐसा जिसमें, हाँ कहां कहां मैं इतना भी गर्म हो गया कि मेरे प्रति कारपोरेशन में, महानगर पालिका में पेन ड्राउन भी हुआ, स्ट्राइक भी हुई, यहां तक बातें गई थी। केवल गुस्सा और गर्म होना हमारा हमारे लोगों के लिए था कि अगर लोगों को हम न्याय नहीं दे पाते हैं तो या तो प्रेम से या तो फिर गर्म होकर हमको अधिकारियों से काम लेना है। निश्चित रूप से गर्म होना भी चाहिए वहां पर जहां जनता की आवाज को दबाया जाता है। एक 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 आपके मन से हम चाहते हैं कि कोई ऐसी बात जो आप जनता से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उसे जनता माने, जाने और चले, ऐसी कोई बात आपकी तरफ से? देखिए, मैंने आपको बताया कि नगर सेवक तो अपना कार्य करते रहेंगे, वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं, साथ साथ में जनता का भी कर्तव्य बनता है कि नगर सेवक को साथ सहयोग देना। और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, जैसे स्वच्छता अभियान ले लें हम, स्वच्छता अभियान केवल नगर सेवक झाड़ू लेके रोड पे घूमेगा तो उससे नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। माइंड मेकअप करना पड़ेगा।
100% उसमें लोगों का भी भरपूर साथ चाहिए। अगर महानगर पालिका आपको डब्बे देती है कि आप इसमें कचरा डालो, तो वह चीज वहां तक सीमित नहीं होगी, लोगों को आगे आके उस डब्बों में कचरा डालना पड़ेगा, तो ही स्वच्छता अभियान होगा। तो इस प्रकार से जनता की भी सोच बदलनी होगी, जनता को भी उस सोच से चलना होगा, तो ही हम इस शहर को और आगे लेके जा सकते हैं। कि जनता सरकार का, समाज का, समाज के प्रतिनिधि का साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद, बात करके खुशी हुई। लगभग सारी बातें हुई और बातचीत में एक बात तो स्पष्ट होकर निकल आई कि अगर नगर सेवक ठान ले कुछ जनता के लिए करना तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है संकल्प की, उसके लिए जरूरत है ठानने की। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। लगभग आप जान चुके हैं राजू जिज्ञासी है क्या, आखिर करना क्या चाहते हैं, और आखिर उन्होंने एक बात और बता दी जिसका उत्तर हमें चाहिए था कि आखिर ये नेता यहाँ का लाडला क्यों है, वो है पप्पू कालानी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, मेरे साथ सचिन दीक्षित के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।